चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D का। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है बेटा? अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। द ड्राइवर सीज अ स्टेशनरी ट्रक अहेड और डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब वो जो कार का ड्राइवर है वो देखता है कि 200 मीटर आगे उसके एक ट्रक खड़ा है। आफ्टर सम टाइम रिएक्शन टाइम डेल्टा टी, क्या दिया उसने? रिएक्शन टाइम दे रखा अपने को डेल्टा टी। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है कि उसने ट्रक को देखा, ट्रक के बाद उसने मान लो कि सोचा कि हाँ ये ट्रक कितना डिस्टेंस पर है और मुझे अगर इससे नहीं टकराना है तो कितने दूर जाकर मुझे ब्रेक मारना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, तो वो रिएक्शन टाइम हो गया अपना। आगे के बोला गया ब्रेक्स आर अप्लाइड प्रोड्यूसिंग अ रिएक्शन या रिटार्डेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना रिटार्डेशन जनरेट होता है वो देखता है, थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद में वो ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने से उसका जो रिटार्डेशन आता है या जो एक्सलरेशन आता है उसका, वो कितना आता है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? ये ब्रेक मारे उसने तो उसका रिटार्डेशन हुआ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रिएक्शन टाइम टू अवॉइड कॉलिजन, है ना? वो कितने टाइम तक रुक सकता है, उसके बाद अगर वो ब्रेक मारे तब भी कॉलिजन नहीं होगा, है ना? तो हमसे टाइम पूछा है कि हम कितने देर तक, और वो जो ड्राइवर है वो कितनी देर तक और बिना ब्रेक मारे काम चला सकता है अपना। तो देखो बेटा, अगर मैं यहां पे आपसे बोलता हूं कि भाई मान लो ये स्ट्रेट लाइन होगी अपनी, ठीक, यहां पर है कार, यहाँ है ट्रक, ठीक। अब कार वाला जो मूव कर रहा है वो कितने से मूव कर रहा है बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब वो कुछ टाइम के बाद, तो सपोज मान लो कि उसने यहाँ ब्रेक मारा, यहां से क्या किया उसने? ब्रेक मारा, मतलब अब यहां से उसका रिटार्डेशन शुरू हुआ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इससे पहले तक वो नॉर्मल कंडीशन में चला होगा, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड से चला होगा, कोई ब्रेक नहीं मारा उसने, तो ट्रक से कॉलिजन नहीं होना चाहिए, है ना? तो हम क्या करते हैं कि हम पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर वो ब्रेक मारता है और उसका रिटार्डेशन जनरेट होता है बेटा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है? रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इस पोजीशन पर भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद ये ब्रेक मारेगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए ट्रक से जस्ट पहले? 0। तो फाइनल वेलोसिटी है क्या हमारे पास? इतनी पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी है क्या इसमें? 40 मीटर पर सेकेंड, और इसमें रिटार्डेशन भी है बेटा अपना। तो क्या यहां से अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि कितना आएगा? क्यों? क्योंकि हमारे पास कार से ट्रक के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है 200 मीटर, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए, मान लो यहाँ पे मैंने कार वाला पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट लिया बेटा बी, और ये लिया सी। तो बी टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई बेटा 40, हमको टाइम नहीं पता इसका, ठीक है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी अपनी 0 है। तो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए? क्या हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, है ना? जब अपन यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? वी स्क्वायर मतलब 0, ये इस पॉइंट पर ट्रक के पास में जब वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। इनिशियल कितनी है बेटा? 40, तो 40 का स्क्वायर। अब रिटार्डेशन है तो -2 × 8 × डिस्प्लेसमेंट, मतलब बी टू सी का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो, तो बी टू सी का अगर अपन डिस्टेंस की बात करें तो कितना आएगा? देखो 40 का स्क्वायर करें तो 1600 बेटा, 1600 बाई 16, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 100 मीटर। मतलब जब वो ब्रेक मारेगा तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जब उसका रिटार्डेशन होगा तो वो 100 मीटर तक और चलेगा, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब 200 में से वो 100 मीटर पहले भी अगर ट्रक से ब्रेक लगाता है तो भी वो रुक जाएगा, मतलब कोलिजन नहीं होगा। इसका मतलब बाकी डिस्टेंस और कितना चल सकता है वो बिना ब्रेक लगाए? 40 सॉरी 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर और चल सकता है ना? तो
हम टाइम चाहिए हमको, डेल्टा टी पूछा हमसे है ना, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब 100 मीटर जो हमारे पास बाकी का बचा हुआ है और कितनी स्पीड में चल रहे हैं अपन, 40 से चल रहे हैं ठीक, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2.5 सेकेंड ठीक है। यही टाइम हमसे पूछा था कि कितना रिएक्शन टाइम हो उसका कि कोलिजन ना हो, तो वो 2.5 सेकेंड तक सोच सकता है कि मुझे ब्रेक मारना है या नहीं मारना है। अगर वो 2.5 सेकेंड पर ब्रेक मारना स्टार्ट करता है तो वो आराम से कोलिजन को अवॉइड कर सकता है ठीक। मेरे हिसाब से ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन।